शारदीय नवरात्र के 9 दिन की उपासना के बाद आज नवमी पूजन कर भक्तों ने अपने व्रत खोले और धर्म लाभ कमाया। सर्वप्रथम मंदिरों, घरों, प्रतिष्ठानों में मैया का पूजन किया गया और उसके बाद कन्या पूजन हुआ। घरों से लेकर मंदिरों तक सभी जगह माता रानी की उपासना के बाद कन्या पूजन हुआ और धर्म लाभ कमाया गया। इस अवसर पर मुरादाबाद के मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में भी शारदीय नवरात्र की नवमी को विधि विधान के साथ हवन और पूजन किया गया। हवन के मुख्य यजमान समिति के अध्यक्ष विपिन शुक्ला अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे। आयोजन में बिल्लू कत्याल की देखरेख में 9 दिन के कार्यक्रम संपन्न कराए गए। इस अवसर पर पूजन के बाद महामाई की आरती की गई, जिसमें नगर विधायक रितेश गुप्ता उपस्थित रहे और महामाई से शहर में शांति और सुख समृद्धि की कामना की। मनोकामना श्री हनुमान प्रचार समिति के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान नगर विधायक रितेश गुप्ता का समिति के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान किया गया। आयोजन के विषय में बताते हुए बिल्लू कत्याल ने बताया कि पूरे 9 दिन मंदिर प्रांगण में माता रानी की उपासना की गई थी, जिसमें प्रातःकालीन सत्र में हवन प्रतिदिन हुआ तो वहीं शाम को भजन संकीर्तन किए गए। इस अवसर पर समय समय पर शहर के गणमान्य लोगों ने आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और महामाई का गुणगान किया। उन्होंने बताया कि आज नवमी के दिन नगर विधायक रितेश गुप्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जिनका समिति के सभी पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत किया गया और सम्मान किया गया है। विधि विधान के साथ संपन्न पूजन के बाद भक्तों को भंडारे का प्रसाद वितरण हुआ। नवरात्र के नौमी आज नवरात्रि के नवमी के दिन मनोकामना मंदिर में आज यज्ञ का आयोजन किया गया है। आज समस्त महानगरवासियों को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ और माँ दुर्गे से मैं प्रार्थना करता हूँ, माँ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने भक्तजनों को आशीर्वाद प्रदान करें और पूरे हर्षोल्लास के साथ आज नवमी का त्यौहार पूरे महीने में मनाया जा रहा है। समस्त मनोकामना श्री हनुमान मंदिर के बिल्कुल प्रचार आज नवरात्रों का नवा दिन है और आज बहुत अधिक संख्या में हवन में श्रद्धालु आए हैं और आज हमारे नगर विधायक श्री उपाधि आरती में आए थे और उन्होंने आरती में बहुत अधिक संख्या देखकर पब्लिक की बहुत खुशी हुए तथा मेरा महानगरवासियों से निवेदन है कि इसी तरह मंदिर में आके धर्म लाभ उठाया करें। छोटे छोटे बच्चों को, परिवार के बहुत सदस्यों को मंदिर लेके जरूर आया करें तथा आज मंदिर में भंडारे का प्रोग्राम शुरू हो गया है और हमें बहुत खुशी है कि 9 के 9 दिन बहुत श्रद्धालु आए